अलीगढ़ में एएमयू रोड स्थित मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में शुक्रवार की रात अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटों से दूसरी मंजिल पूरी तरह घिर गई और टेलीकॉम मशीनरी सिस्टम आग की चपेट में आ गया, जिससे बीएसएनएल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया। वहीं मौके पर पहुंची कई दमकलें पहुंच गई और आग बुझाई। आग लगने के पीछे वजह स्पष्ट नहीं है, मगर शॉर्ट सर्किट या बारिश के दौरान हुआ कोई स्पार्क मुख्य कारण माना जा रहा है। दरअसल रात करीब 10 बजे टेलीफोन एक्सचेंज की दूसरी मंजिल के मशीनरी सिस्टम वाले सेक्शन में अचानक चिंगारी के साथ आग लग गई और धुआं निकलने लगा। इस पर वहां मौजूद स्टाफ ने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम वो अपने अधिकारियों को सूचना दी। खबर पर एक एक कर तीन दमकल मौके पर पहुंची और इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स वो बीएसएनएल के अधिकारी भी आ गए। फायर विभाग के स्टाफ ने शीशे खिड़कियां आदि तोड़कर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस दौरान विद्युत आपूर्ति बंद कराने की वजह से इलाका अंधेरे में डूब गया। आग लगने से बीएसएनएल का नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया। बीएसएनएल के मुख्य दूरभाष केंद्र में आग लगने की वजह से, उसके जो ट्रांसमिशन रूम में आग लगने की वजह से सेवाएं बाधित हो गई हैं और जल्दी ही वो सुचारू कर ली जाएंगी। क्या कारण था? कारण के लिए तो कारण हम लोग अभी उसके लिए अब कमेटी बना दी गई है, वो इन्वेस्टिगेट करके बताएगी, जब भी बताया जा सकता है क्या था। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ चुकी थी? फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियाँ आई थी। कब तक ये सुचारू रूप से? 24 घंटे के अंदर हम लोग सुचारू रूप से चालू कर लेंगे।